आप जैसे इंटर होंगे आपके दरवाजे के पास मिट्टी और प्लस आटा मिक्स का एक पुतला आपको मिलेगा जिसमें सुइयां चुभी हुई हैं। इस हादसे के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो आपसे जेलस है। इस पर आप लात जल्दी जल्दी मारो, मारो लिखा खत्म हो जाएगा। व्यूअर्स, ये एक प्रोडक्शन हाउस का मंजर है। स्क्रीन के बाएं जानिब प्रोडक्शन हाउस के मालिक बैठे हैं और दाएं जानिब मेरे यानी हनीफ राजा के प्रैंक शो के कैरेक्टर बैठे हैं। मैंने इनके जरिए प्रैंक करवाना है मशहूर टीवी एक्टर जमशेद अंसारी साहब के साथ। इन दोनों हजरात को पता है कि प्रैंक हमने क्या करना है। कुछ ही देर बाद जमशेद अंसारी साहब आने वाले हैं। जमशेद अंसारी साहब से कुछ प्रोडक्शन से मुतालिक डिस्कशन हुई, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने उन्हें बताया कि ये जो सामने साहब बैठे हैं ये बहुत बड़े जादूगर हैं, किस्मत का हाल बताने वाले नजूमी भी हैं और ये जादू टोनों की कार्ड भी करते हैं। मैंने अभी तारुफ कराया आपका जी, तो ये बहुत अच्छे फार्मिस्ट हैं, इनमें खूबी है, बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त फार्मिस्ट है ये। अच्छा, जबरदस्त क्या है? हाथ देखते हैं, क्योंकि मैं इतनी चीज़ों को बिलीव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस जब मैंने अपनी आँखों से सब चीज़ें सच देखी तो उस दिन से मुझे तो यकीन आ गया ईमानदारी। अब वो सही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत परफेक्ट है वो आदमी। वो पुतला वहाँ से जहाँ बताया था वो आपने ऐसा बताया था जमशेद भाई, उन्होंने यहाँ बैठ के बता दिया कि आप के घर के बाहर दरख्त पे आप जाइए, तो वहाँ पे जरा सा खोलेंगे तो वहाँ से पुतला निकलेगा। तो मैंने तो इनको यहाँ बिठाया और मैं उनके साथ गाड़ी में चला गया और मैंने जाके देखा और पुतला निकला उसमें जबरदस्त। सब गुमता साहब हो सकता है निकला हो, मैं यकीन करता हूँ कि शहजाद साहब झूठ ही बोले, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इन चीज़ों पर बिलीव करता नहीं हूँ। नहीं, बिलीव करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस ऑफिस के मालिक बाहर चले जाएंगे ताकि जमशेद अंसारी साहब नजूमी से दिल का हाल कह सकें। शादी आपकी माशाल्लाह एक ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही। दूसरी ख्वाहिश हो रही थी लेकिन नहीं हुई। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। देखिए मेरी शादी शादी एक ही है लेकिन बहरहाल बारह अभी वो बात मैं नहीं बोलना चाहता। खैर, मुठी खोले देखिए ना, ये बहुत परेशानियां आपने देखी है जी। हाँ, परेशानी तो बहुत देखी है। बहुत नहीं नहीं आपने बहुत ज्यादा देखी है परेशानियां। आप बहुत क्राइसिस से गुजरे हैं। कोई आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, एक्सीडेंट भी हुआ है, मेरा फ्रैक्चर हो गया था, नी कैप डैमेज हो गई थी और ये देख रहे हैं आप ये जख्म का निशान। तो वैसे ये हादसे तो जिंदगी में हुए दो तीन दफा और अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। इस हादसे के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो आपसे जेलस है? देखो सुनो, एक ये देखो ये लकीर बता रही है, ये जेलसी की लकीर है। नहीं साहब, मैं इतफाक नहीं करता आपकी इस बात से। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह मेरी जितनी भी जिंदगी गुजरी इस शो बिजनेस में, मैं नहीं समझता कि किसी को मुझसे कोई जेलसी है। आपका जो घर है जी, ठीक, आप जैसे इंटर होंगे आपके दरवाजे के पास हल्की सी आप खुदाई करेंगे, एक मिट्टी और प्लस आटा मिक्स का एक पुतला आपको मिलेगा जिसमें सुइयां चुभी हुई हैं। 23 सुइयां उसमें है। 23 सुइयां, 23 सुइयां उसमें चुभी हुई है। ठीक, आप वो निकालें। मैंने आपका घर कभी नहीं देखा, नहीं। आपको सिर्फ टीवी में देखा और आपसे मेरी पहली मुलाकात है। आप जब घर जाएंगे वो जब निकालेंगे, निकालते ही उसे जो है किसी चीज में डालकर, कोई नजदीक कुआं हो या कोई समंदर हो वहां फेंक कर आप आ जाएं। उसके बाद देखें आप आपका बिजनेस कैसे चमकता है, आपके साथ जो परेशानियां वो कैसी दूर भागती हैं। अगर मैं प्राइवेट प्रोडक्शन में आना चाहूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ सेट नहीं हो रहा मामला। यही तो मैं कह रहा था कि आप किसी पर भी बिलीव ना करें, किसी पर भी आप एतमाद ना करें, तावीज के बाद देखें क्या कमाल होता है। इसे आप ठीक, इसे आप पानी में इसको फाड़ें, आप ठीक है, चार टुकड़े करें, आप चार टुकड़े करें, जेब में रखें इसे आप,
खड़े होकर लात मारे इस पर, इस पर, इस पर आप लात जल्दी जल्दी मारो, वरना लिखा खत्म हो जाएगा। लात मारो आराम से। हाँ। एक मिनट एक मिनट, उल्टा पैर लग जा, निकालो पानी में डालो इसको। चावला जल्दी पिया इसे प्लीज। एक घूट और लो, रुको थोड़ा सा डालो, हाथ में लो थोड़ा सा, बस ये अपने बालों पे लगाओ। व्यूअर्स, अब आपको दिखाते हैं कि नहले पे दहला कैसे होता है। मैंने यानी हनीफ राजा ने जमशेद अंसारी साहब के मोबाइल फोन पे कॉल करके बताया कि आपके साथ प्रैंक हो रहा है और ये जो आपके सामने जादूगर बैठा है ये नकली है, अब जरा आप इसके साथ प्रैंक कर दें। और मैंने उनको आइडिया दिया कि आप अपने ऊपर जिन तारी कर लें, उसके बाद देखिए जादूगर की क्या हालत हुई। जब मैं छोटा सा था ना तो मुझ पर जिन और भूत आते थे, मेरी आवाज भी अजीब सी हो जाती थी, मैं बावला हो जाता था, मैं कुछ सोचता था, हो कुछ जाता था, जो भी मेरे सामने आता था मैं उसको गिरेबान से यूं पकड़ लेता था। जमशेद भाई, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता था मुझे, मेरी आवाज बारीक हो जाती थी, जमशेद भाई मैं पागल हो जाता था, और फिर उसके बाद मैं क्या करता था, यूं उठता था, भांडा फोड़ने का वक्त आ गया और मैं यानी हनीफ राजा दाखिल हो गया सीन के अंदर। हनीफ, चचा मैं इसको क्या बताऊं? मेरे चंदा, मेरे भाई, जिस स्कूल में तुम मास्टर थे ना, देख रहे हैं आप, इनको बता दीजिए मैं वहाँ का हेड मास्टर रह चुका हूँ। कैसा? अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।